दोस्तों आज की वीडियो में ऐसे हेयर मास्क की बात करने वाले जिनके हेयर काफ़ी डल है, बालों की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, काफ़ी ड्राई डैमेज है, काफ़ी पतले है, काफ़ी वीक दिखाई देते, तो उसको किस तरह से स्ट्रोंगर बनाना है, किस तरह से स्मूथ बनाना है, ये सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इस हेयर मास्क की प्राइस क्या होगी, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट है, ये सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और आप चैनल पर पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। दोस्तों इस हेयर मास्क की नाम की बात करते हैं, ST बोटेनिका का प्रोडक्ट है, यानी ST बोटेनिका की जो ब्रांड है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हर्बल प्रोडक्ट बनाती है, काफ़ी सेफ प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे इफेक्टिव होते हैं। दोस्तों ये हेयर मास्क खास हेयर को स्ट्रेंथ देने में, जिनके हेयर काफ़ी डल है, ड्राई है, डैमेज है, काफ़ी वीक है, काफ़ी पतले, उन लोग के लिए बनाया गया है। दोस्तों सीधा इस ST बोटेनिका हेयर मास्क की इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सेफ है, जैसे बात करें इसके अंदर हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन है, ऑर्गेनिक मोरक्कन आर्गन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को भी यूज में लिया गया है, प्योरीफाइड वाटर, ग्लिसरीन, बायोटिन, विटामिन ई और हाइड्रोलाइज कोलेजियन को भी यूज में लिया गया है। दोस्तों ये तो बात की हमने इसके इंग्रेडिएंट्स की, जो काफी अच्छे होते हैं, ये बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को यूज में नहीं लिए गए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स काफी अच्छे होते हैं, बालों को अच्छा टेक्सचर देने के लिए, बालों के अंदर काफ़ी जान डालने के लिए, बालों को जो वीकनेस है उसको, वीकनेस पॉइंट को काफ़ी सुधारने के लिए, बालों को जाड़ा बनाने के लिए काफ़ी मदद रूप होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस ST बोटेनिका हेयर मास्क को किस तरह से यूज में लेना है। दोस्तों सबसे पहले आपको शैम्पू कर लेना, आप जो भी शैम्पू यूज करते हो उसके बाद आपको उसको अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको खास ध्यान रखना, जब आप शैम्पू कर लो तब आपको 50% बालों को टॉवल ड्राई कर लेना, उसके बाद ही इस मास्क को अप्लाई करना है। दोस्तों जब आप शैम्पू करने के बाद इस मास्क को अप्लाई करो तब आपको उसको अच्छे से लगाना है, मतलब कि आपको स्केल पर भी लगाना है और पूरे लेंथ पर लगाना है और अच्छे से मसाज करना है फिंगर से, और उसको लगाने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक आपको बालों में से लगे रहने देना है, और इस दौरान आपको कोई कंडीशनर का यूज़ नहीं करना है। ये हेयर मास्क को लगाने के बाद आपको 5 मिनट हो जाए तब आपको बालों को ओनली वाटर से वॉश कर देना है। बात करते हैं दोस्तों उसको कब कब यूज़ करना है, तो आपको वीक में एक बार भी यूज़ कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही है, यानी कि इसका इफेक्ट है ना दोस्तों बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। दोस्तों अब बात करते हैं इस ST बोटेनिका हेयर मास्क की प्राइस की, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ही किस तरह से दिखता है, इस तरह की डब्बी में आता है, ये 300 ml की डब्बी है जो 999 यानी कि 1000 रुपये में मिलेगी, जो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन ये 300 ml काफ़ी ज़्यादा होगा, आपके लॉन्ग लास्टिंग तक चलेगा, यानी 1-2 महीने में ख़त्म नहीं होगा, कम से कम आपको 6 मंथ तक तो आराम से चलेगा। दोस्तों अगर आपके हेयर काफ़ी ड्राई वीक है या आपने बहुत ही केमिकल प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, आपके बाल बिल्कुल कच्चे हो गए, काफ़ी पतले हो गए, तो अब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ में ले सकते हो। और दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।